वेलकम बैक. तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है अ ट्रांसजेंडर ब्लेसेस प्रेसिडेंट कोविंद इन हर ओन स्टाइल व्हाइल रिसीविंग पद्मा अवार्ड. अरे वाह, ये तो कमाल का वीडियो है यार. टाइटल ही बड़ा अच्छा है. तो वीडियो पहले शुरू करते हैं और देखते हैं कि भैया एग्जैक्टली हुआ क्या है. तो वीडियो शुरू करते हैं, पर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोज के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें. अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर. चलिए शुरू करते हैं. माता बी बजम्मा जोगती कला लोक नृत्य. This is so beautiful, yeah. फ्रेंड्स, ये तो कमाल का था. चाहे छोटा था बट बहुत ही प्यारा वीडियो था यार. दिस वाज अमेजिंग अमेजिंग. जिस तरह से वो इतनी खुश होके जो है आ रही हैं और उसके बाद उन्होंने जिस तरह से वो आई आगे, मतलब इतनी खुशी के साथ और कॉन्फिडेंस था यार. कॉन्फिडेंस मुझे बहुत ही अच्छा लगा. और वो जो स्माइल थी यार, और वो वहां पे आपने देखा कि जो एक था वो कितना खुश हो रहा था, वो ऐसे पूरा वो भी मतलब साथ आया हो सकता है. पर जो भी था ऑब्वियसली यार, अगर आप ऐसे और जो डिजर्विंग लोग हैं उनको आप दोगे तो क्यों ना प्राउड फील करें. एक एग्जाम्पल सेट किया है मुझे तो लग रहा है गवर्नमेंट ने कि इतने अच्छे अच्छे चुन चुन के मेरे को लग रहा है हीरे चुने हैं जो आप सोच भी नहीं सकते थे. आठ में उनको चुना है और जिस तरह से वो आई और उसके बाद उन्होंने पूरा मतलब नीचे वहां से माथा टाइप जो टेकते हैं वो भी किया. उसके बाद उन्होंने अपनी साड़ी के पल्लू से भी कुछ कर रही थी, वो मुझे समझ नहीं. ऐसे लग रहा था या तो उनको आशीर्वाद दे रही है या फिर उनको थैंक यू कर रही है, कुछ उस टाइप से था मुझे लग रहा है. वो मोस्ट प्रॉब्ली आशीर्वाद या कुछ उस टाइप से दे रही होंगी कि पहले उनको प्रेसिडेंट को दे रही है और उसके बाद उनको कुछ बोला भी और वो सब था. प्रेसिडेंट जो थे वैसे सीरियस से लग रहे थे और एक्चुअली मैं उनकी उनकी भी स्माइल आई थी, वो भी जबरदस्त स्माइल. जनरली उनको मैंने सीरियस ही देखा, मैं स्माइल कम करते हैं जहां तक मुझे लगता है, पर इनको मिलके वो उनको भी खुशी हो रही थी कि मेरे को इतना वो प्यार कर रहे हैं, इतना वो दिया है, रिस्पेक्ट दिया है, प्यार दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं. और बड़े कॉन्फिडेंटली और बड़े प्राउड उनको भी फील हो रहा था. देखा था जैसे उन्होंने किया कि आप मेरे को जो भी वहां पे जो लगाते हैं अवार्ड के लिए वो किया, और जो इतनी कॉन्फिडेंटली जब उनको मिल रहा था तो उसके साथ फोटो लेके. और बेस्ट पार्ट था वहां पे जब उन्होंने दिखाया कि मोदी जी बैठे हुए हैं वहां पे, अमित शाह बैठे हुए हैं, वो लोगों की भी स्माइल जो थी ना, दिल से जो स्माइल मिलती है ना देते हैं, एक होती है नौटंकी वाली स्माइल, आपको देखती पता चलेगा ये आर्टिफिशियल स्माइल है या जबरदस्ती की स्माइल है. ये जो स्माइल थी ना उनकी, खासकर मेरे को अमित शाह की दिख रही थी, वो वाकई बड़े खुश थे कि यार ये मतलब अपना बंदा है या अपने लोग जो है उनको मिल रहा है. ये तो जनरली मेरे को नहीं लगता कि हम लोगों ने कभी भी अवार्ड सेरेमनीज जब ऐसे हुई है पद्मश्री में इस टाइप से जो है लोगों को चुन के उन्होंने लिया. इस बारी जो है लोगों को बहुत ही इन्होंने ऐसे चुन चुन के लिया है जो आप देख के हैरान हो जाते हो कि वाकई ऐसे भी लोग हैं हमारी कंट्री में. दैट इज अमेजिंग. जैसे अभी इनको चुना, आप कभी भी ऐसा एग्जाम्पल मेरे हिसाब से तो मैंने कभी नहीं देखा. और जिस तरह से वो आ रही थी, और वेल डिजर्विंग लोगों को पता नहीं और कैसे चुना. अच्छा हाँ, मुझे याद आ रहा है मोदी जी ने कहीं पे ये किया भी था कि अगर आप किसी को मतलब अवार्ड आपको लगता है कि उनको मिलना चाहिए या किसी को नॉमिनेट करना चाहते हो तो उन्होंने कहा था कि आप नॉमिनेट करो. और मेरे को लगता है उसके थ्रू लोगों ने जो नॉमिनेट किए हैं जिनको जो वेल डिजर्विंग थे उनमें उस लिस्ट में से फिर उन्होंने डिसाइड किया होगा कि किनको सिलेक्ट करना है. ये नहीं कि कोई कोई बॉडी बैठी हुई है या जान पहचान से, जैसे होता होगा मुझे तो ये लगता है जनरली तो जान पहचान से ही होता होगा कि भैया जो अमीर है या हाई क्लास सोसाइटी के उनको दे दो. पर इस बारी जिन जिनको किया है ना अमेजिंग है, वही बहुत अच्छी बात है. और ये तो देख के बड़े मजा आया यार, दिल खुश हो गया, खुद ही प्राउड फील हो रहा था. जैसे अमित शाह है सब है ना, वो भी देख के उनको भी प्राउड फील हो रहा था ना. अगर आई होप मेरे भी फेस से वो कैच हुआ क्योंकि मुझे भी बहुत ही प्राउड फील हो रहा था. ऐसे लग रहा था कि यार अपने किसी को मिल रहा है, ये अपना इंडिया है. मजा आ गया, बहुत ही अच्छा था. और बहुत ही मतलब
प्यार नजर आ रहा था और बहुत ही अच्छा सिस्टम है कि जिस तरीके से आप देखिए 1.3 बिलियन पीपल हैं उसमें से चूज किया, कितना डिफिकल्ट प्रोसेस होगा और कैसे वहां तक पहुंचना भी डिफिकल्ट होगा, तो उनकी इतनी गुडविल होगी इनकी कि इनको जो है बुलाया गया, मुझे पता नहीं ये डांसर हैं, डांसर हैं, कितने कितने मतलब बच्चों को सिखाए होगी स्कूल हो उनका स्कूल हो डांसिंग सिखाई होगी, वो अब बड़े हो गए जैसे वो जो भाई साहब ऐसे कर रहे थे वो शायद उनके स्टूडेंट हो, उनके स्टूडेंट हो जिन्होंने स्टूडेंट्स ने मिलके उनको किया हो, वोटिंग की हो, नॉमिनेट किया हो कि आप जाइए, और सारे बच्चे जो हैं वो गुडविल दिखा रहे हैं कि एक अच्छे इंसान को जिसने इतना अच्छा कार्य किया है। और काफी अच्छी बात है, पहले हम इन अवार्ड्स को पद्मश्री कहते थे, पद्मा अवार्ड्स बोल रहे हैं, तो मेरे ख्याल से क्योंकि पद्मा के अंदर बहुत कैटेगरी होगी, श्री भी एक कैटेगरी है, तो मेरे ख्याल से तो काफी अच्छा, अगर पहले इतनी अवेयरनेस नहीं थी इन अवार्ड्स की, और अच्छी बात है कि अवेयरनेस हो रही है, और बहुत ही अच्छा सिस्टम बना हुआ जो दिखाते हैं, पहले ऐसे सब बैठे हुए हैं अपनी चेयर्स में और वहां पे दूसरे लोग बैठे हुए हैं, फिर मेरे ख्याल से बुलाते हैं, फिर एक एक करके मिलते हैं, वेरी नाइस। और इनके बारे में मेरे ख्याल से कोई डॉक्यूमेंट्री ऐसा कुछ ही बननी चाहिए हर एक पद्मश्री के लिए, नहीं मेरे ख्याल से जब वो आते हैं और अवार्ड लेते हैं तो बोलना भी चाहिए कि उनकी अकम्प्लिशमेंट क्या है, कहाँ से आए, वो सब बताना चाहिए ताकि सबको पता चले, और जैसे टीवी में भी आ रहा है तो हम लोगों को भी उनके बैकग्राउंड और क्यों मिला, उन्होंने क्या अचीव किया है, उसकी उनकी हिस्ट्री, उनकी लाइफ स्टोरी भी बतानी चाहिए, वो उसमें बहुत अच्छा लगेगा, उससे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि जो बंदे जा रहे हैं एक तो उनको पता लगेगा उनकी अचीवमेंट क्या है, वो खुशी होगी, साथ में जनता जो जानती नहीं है उसको पता लगेगा कि क्या चीज अचीव की थी, और फिर लोगों में भी मोटिवेशन आएगा कि हम भी कुछ अच्छा कार्य कर सकते हैं, और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड अगर किसी ने हमें ऑनर करना होगा तो करेगा, मगर अगर आप पीछे भागेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, मगर कार्य करते हैं सोसाइटी में जिसने ऐसा कोई ग्रेट कार्य किया जिससे हजारों का भला हुआ, सोसाइटी में अच्छी गुडविल आई, अच्छी बातें हुई, तो उसका नजर आया, तो वेरी नाइस। और अच्छी बात है आजकल के इंटरनेट के जमाने में सब कुछ ऑनलाइन नजर आता है, सब कुछ पता, मैं आई एम श्योर कि अगर इनमें उन्होंने एक्सप्लेन भी किया होगा कि इनकी अकॉम्प्लिशमेंट्स क्या है, स्पेशली अच्छी बात यह है कि ट्रांसजेंडर को रिप्रेजेंट कर रही है, उन्होंने एग्जाम्पल सेट किया है कि ट्रांसजेंडर ने तो जनरली कहां से कैसा लुक होता था लोगों का पहले हमारे टाइम में, कि भाई वो मतलब जब बच्चे पैदा होते थे तभी वो आते थे और उस टाइप से था, पर उन्होंने दिखाया कि वो आपकी सोर्स ऑफ अर्निंग नहीं है, अब जमाने बदल गए, वो सोचो मत, आप वो सब कर सकते हो जो बाकी लोग भी कर सकते हैं, आप कोई हमसे कम नहीं हो, और वही उन्होंने दिखाया कि इनको आर्ट में होगा लगाव, तो उन्होंने उसी टाइप से डांस के अंदर मतलब बहुत सारी कि वही बहुत मतलब एग्जाम्पल सेट किया और अवार्ड दे के गवर्नमेंट ने भी लोगों के लिए अवेयरनेस डाली है कि देखो अगर ये कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते, राइट राइट, मतलब पूरा वर्ल्ड आगे जा चुका है, अगर ट्रांसजेंडर किसी घर में होता है बच्चा तो अपने पास ही रखता है, वो ऐसे ही पालता जैसे दुनिया भर को पालते हैं, तो आजकल के जमाने में तो बच्चा बच्चा है, कोई फर्क नहीं पड़ता ट्रांस हो नहीं हो, पूरा जमाने में कितना, और अच्छा आप एजुकेशन देंगे, अच्छा इंसान बनाएंगे और आपको क्या चाहिए, तो काफी अच्छा, वेरी नाइस, बहुत ही अच्छा था, मजा आ गया यार आज का ये वीडियो वाला देख के, दिल खुश हो गया यार, तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।